27 तारीख को प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ उपस्थित रहेंगी। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं को यहाँ बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड जिसकी अपनी एक पहचान रही है, आज बुंदेलखंड को गैर कांग्रेसी सरकार में लूटा गया है, खसोटा गया है। यहाँ का किसान दुखी है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। पिछले दिनों अतिवृष्टि ओलावृष्टि के नाते लोगों का फसल बर्बाद हुआ, एक रुपया मुआवजा बीमा कंपनियों ने नहीं दिया और बीमा कंपनियों ने यहाँ के लोगों के पैसे को लूटा। जहाँ तक देखा जाए, यहाँ सिंचाई के संसाधन जिस रूप में होने चाहिए वह लोगों को नहीं मिल पाया है। अन्ना जानवरों से यहाँ का किसान परेशान है। पिछले दिनों जब हम लोग ललितपुर आए थे, बांदा गए थे, महोबा में भी आए थे, जहाँ गायें चारे भोजन और रख रखाव के अभाव में तड़प तड़प के मर रही थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने गाय बचाओ यात्रा की थी। इस सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटा था, मुकदमे लिख के थी और जेल भेजने का भी काम इस सरकार ने किया था। इस सरकार का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ न उद्योग विकसित हो पाया, न धंधे लग पाए और यहाँ की जो संपदा है उसको गैर कांग्रेसी सरकारों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के संरक्षण में लूटा गया, खसोटा गया। खाद के न मिल पाने के कारण इसी बुंदेलखंड में लाइन में किसान मर गया, लेकिन इस सरकार ने अब तक खाद की समुचित व्यवस्था नहीं कराई। बिजली का दाम बढ़ने के नाते यहाँ का किसान दुखी है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में जो यहाँ पैकेज दिया था आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसी का देन है कि बुंदेलखंड में यातायात की अच्छी व्यवस्था, सड़कों का जाल, सिंचाई के कुछ संसाधन लग पाए और जो मंडी जिसमें किसान अपने अनाज को बेचने जाता है वो मंडी का निर्माण हो पाया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आज वर्तमान में सरकार है और इस सरकार ने यहाँ के लोगों के विश्वास के साथ धोखा दिया है। आने वाले दिन में बुंदेलखंड में निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी और सभी सीटों पर जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। कि रैली हमारी पहले आयोजित होनी थी, चूँकि संजोग का विषय है कि हमारी रैली पहले नहीं हो पाई, लेकिन बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़ी घोषणाएं हुई। सिंचाई विभाग में कैसे लूटा गया ये आप सब लोग जानते हैं। इसी बुंदेलखंड में जहां संपदा लूटा जा रहा है, नदी पर अधिकार निषाद भाइयों का था, नाले पर अधिकार निषाद भाइयों का था, मिट्टी और बालू पर अधिकार निषाद भाइयों का था, जो कांग्रेस की सरकार में कानून था उनके लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन आज उस संपदा पर किसका हक है, कौन लूट रहा है, किस सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं, किनके ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है, किसकी आय से अधिक संपत्ति बढ़ी है, ये पूरा देश जानता है। मैं समझता हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन किसानों से भी मिलना चाहिए था जिन्होंने आत्महत्या कर ली पिछले दिनों, और लगातार बुंदेलखंड में जिस तरह आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है,
ये एक बड़ा चिंताजनक स्थिति है जिसको आप लोगों ने भी समय समय पर प्रकाशित किया है। कांग्रेस पार्टी ही आई थी और उस समय भी गांव-गांव जाकर उन किसानों से मिलकर, उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करना और उस मुद्दे को सदन में उठाने का काम हम लोगों ने किया था। निश्चित तौर से बुंदेलखंड पूरी तरह आज सभी दलों से अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। वह जानता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गांव, गरीब और यहां के मजदूरों का विकास कर सकती है। आज सुनने में आया